आपके सामने आपका स्टेटमेंट ऑफ P&L का नेक्स्ट सम सम 20th। कंप्यूट निकालना है रेवेन्यू मींस बात की जाए सेल्स, सेल्स के अलावा जो आपने इनकम कमाई है वो, एंड टोटल रेवेन्यू किसके लिए, एक नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए। ठीक है, आपके पास ये डिटेल्स हैं। सबसे पहले कहता है सेल्स आपके पास है 20 लाख की, जो माल वापस आया है वो है 1 लाख का, तो जो नेट सेल्स आपके पास आएगी वो 19 लाख की आ जाएगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद स्क्रैप बेचा है आपने 40,000 का, ये भी मैंने आपको कहा था रेवेन्यू का हिस्सा इसको मानना है। ठीक है, इसके बाद सेल्स ऑफ मिसलिनियस आइटम्स, छोटे मोटे माल कुछ से बेचा होगा 5,000 का, इसको रेवेन्यू में ही है, बट उससे जो सेकंड पॉइंट है देखिए ध्यान से इसको दिखाएं कैसे। सबसे पहली बात ना बच्चों, जो आप स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाओगे उसमें किसी भी टाइप की कोई कैलकुलेशन नहीं दिखानी, मतलब उसमें आपको ओनली एग्जैक्ट अमाउंट दिखाना है। जितनी भी कैलकुलेशंस होंगी, जैसे इसमें सेल्स कितना आया, रेवेन्यू कितना आया, उन सबको आप दिखाओगे नोट्स टू अकाउंट्स में। ठीक है जी, तो नोट्स टू अकाउंट्स आप बना लो, दो कॉलम बनाए हैं, दोनों ही इसी साल के हैं। सबसे पहले उसने कहा था सेल्स 20 लाख, तो आप ना यहाँ लिखो सेल्स 20 लाख की पहले कॉलम में। ठीक है जी, उसके बाद जो माल वापस आया है 1 लाख, वो इसमें से लेस हो जाएगा, तो आपके पास जो नेट सेल्स आई वो 19 लाख की आई ना, उस 19 लाख को आप यहाँ दिखाओ इस कॉलम में। इसके बाद 40,000 का आपने बेचा है उसको यहाँ दिखा दो 40, या टोटल कितना आया 1940 ना। अब यहाँ पे बना दो इसकी हेडिंग 1 पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे इसकी हेडिंग, यहाँ पे उसकी डिटेल्स, ये फाइनल अमाउंट आपका आ गया 19,40,000। सेकंड पे आप जानते हो इसके अलावा आपने कोई इनकम कमाई है तो उसकी हेडिंग बनानी है। इसको लिखने का ढंग, मिसलिनियस आइटम्स को बेचा है 5,000 का, उसको यहाँ दिखा दो सेल ऑफ मिसलिनियस आइटम्स। अभी क्योंकि कुछ चीज़ें ऐड होनी है तो मैंने इस कॉलम में दिखाया। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, इसको भी आपने अपनी इनकम ही मानना है, 10,000 है इस कॉलम में। अच्छा, टाइम डिपॉजिट्स पे आपको ब्याज मिला है, टाइम डिपॉजिट इसको आप फिक्स डिपॉजिट भी कह सकते हो, जिसका टाइम फिक्स होता है वो यहाँ पे 20,000। इस सब का टोटल कितना आया 35 ना, यहाँ लाइन मत लगाना। अब क्योंकि ये दोनों आपकी इनकम आ चुकी है आपके पास, ये रेवेन्यू है, सेल्स का काम यहाँ पे आएगा, इसके अलावा जो बाकी इनकम है वो यहाँ आ गई, तो इन दोनों का जो टोटल होगा उसे आप यहाँ दिखाओगे, टोटल रेवेन्यू 1 + 2। अब यहाँ जो टोटल आएगा वो किसका आएगा, इन दोनों का ना, 19,40,000 एंड 35 19,75,000, ये नोट्स हैं। ठीक है ना, अब जो आप स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाओगे ना, वहाँ पे आपको एक ये वाला अमाउंट दिखाना है, एक ये दिखाना है, एक ये कैसे दिखाना है वो भी देख लो। हालांकि इसने हमें कहा नहीं उसको बनाने के लिए, बट आप देखो ध्यान से, इसमें दो कॉलम बनते हैं आपको पता है, ये इस साल का होता है, ये पिछले साल का होता है। नोट्स टू अकाउंट्स बच्चों इसी साल के ही हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आप दिखाओगे जो आपका रेवेन्यू आया है, जो आपकी मेन सेल है 1940 ना, ये टोटल आपको यहाँ दिखाना है 19,40,000। मतलब ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कैलकुलेशंस है ना, इसको नोट्स में दिखाओ, जो इसका फाइनल अमाउंट आता है ना, जिसका हेड आपको दिया हुआ है, उसको आपने यहाँ दिखाना है। उसके बाद सेकंड आप लिखोगे बाकी की जो इनकम्स हैं। अब हालांकि इसमें तीन है, बट आपको तीनों यहाँ थोड़ा ना दिखानी है, हम तो फाइनल अमाउंट दिखाएंगे 35। यहाँ पे आप लिखोगे थर्ड पे
टोटल रेवेन्यू 1+2 19,75,000। ओके जी, ये आपको बनाना है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल।